सुनसान सड़क, आज की रात कुछ ज़्यादा ही खामोश है। दूर कहीं एक रात पक्षी का आवाज़ अपना ज़िंदा होने का सबूत दे रहा है। सरसराती शीतल हवा पता नहीं क्या कह रहा है। रात हो जाने के कारण शशांक को आज पैदल ही जाना पड़ रहा है घर। ठंडी की चद्दर ओढ़ के सो रहा है पूरा गांव। शशांक गया था शहर में कुछ काम में, लेकिन लेट हो जाने के कारण लौटने के बाद उसको अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर ही उतर के चला गया दिन का आखिरी बस। चलते चलते अचानक शशांक को होश आया। ये कौन सा रास्ता है? अंधेरे में रास्ता गड़बड़ हो गया। अरे नहीं, वो तो पुरानी राजमहल का रास्ता है, दिख भी रहा है वहाँ पे। ये सोचते ही उसका नस नस में जितना खून दौड़ रहा था वो बर्फ जैसा ठंड महसूस होने लगा। इतनी रात छोड़ो या शाम के बाद कोई परिंदा भी पर नहीं मारता है। बचे कुछ हिम्मत को इकट्ठा करके वो फिर से उल्टा चलने लगा। अब दौड़ना है उसको, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाना है। वो क्या है, क्या आ रही है? वो लड़की की परछाई ऐसे लग रहा है। भागो भागो जल्दी, अंधेरा मानो कि और गहरा हो रहा है। कशमशाती अंधेरों में अपने कंधे पे महसूस हुआ हिम शीतल स्पर्श। पीछे मुड़ के देखा तो स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल बायोलॉजी विद विश्वजीत में। आप देख रहे हैं मेरा सीरीज बायो स्टोरी 6। किताबों में, कहानियों में, अखबार की सुर्खियों में या डिबेट की महफिल में भूतों का अस्तित्व को लेके ना जाने होते हैं कितने घमासान। कोई सुनाते हैं ब्लाडी मेरी की कहानी, तो कोई द नन की, तो कोई द क्रैच की। कोई डराते हैं पेतों का नाम लेके, तो कोई चुड़ैल के नाम से। क्या है हकीकत, क्या वजूद है, क्या विज्ञान के पास इसका कोई व्याख्या है? जानने के लिए बने रहिए अंत तक मेरे साथ, क्योंकि आज जो जानकारी आप लोगों को मैं देने वाला हूँ शायद आपको किसी और जगह पे ना मिला हो। बड़ा ही जटिल है इंसानी शरीर और उससे भी जटिल हमारा दिमाग। सैकड़ों न्यूरॉन से बना हुआ है बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक सर्किट जैसा संरचना हमारा नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र का। जैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक वैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, ज़्यादा सोचने के कारण, डिप्रेशन के कारण या दिमागी चोट के कारण, जिसको हम दिमागी रोग या मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। इस तरह की स्थिति में मनुष्य कभी कभी अपना ही सोच में खो जाते हैं और देखते रहते हैं अजीबोगरीब घटनाएं। चिकित्सा शास्त्र के भाषा में इसको हैलुसिनेशन या भ्रम बोलते हैं। ऐसे हालात में लोग अक्सर रस्सी को साफ समझ बैठते हैं और अपने मन ही मन के जो डर है उसको भूत समझ बैठते हैं। तो क्या भूतों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है? लेकिन ऐसा भी कुछ उदाहरण है जहाँ पे भूतों का अस्तित्व का ठोस दावा किया जाता है, बल्कि विज्ञान के एक विभाग है इसके ऊपर, जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर रिसर्च भी किया जाता है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भी अलग से पैरानॉर्मल केसेस को स्टडी करने के लिए डिपार्टमेंट होते हैं। ये ब्रह्मांड का संरचना एक रहस्य है, ये बात तो आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग्स ने भी मान लिए थे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है। आमतौर पे जिसको हम लोग भूतिया हरकतें बोलते हैं, डार्क मैटर, नेगेटिव एनर्जी, एंटी मैटर, ना जाने और कितने पढ़ना पलटना बाकी है विज्ञान का। विज्ञान असीम और अनंत है, ये ब्रह्मांड जैसा। हम लोग तो बस एक एक करके खोज कर रहे हैं। तो जो चीज़ हम लोगों का सोच से परे है
वो सभी चीज़ों को बेतुकी या झूठ बोल के हमेशा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जिंदगी क्या है, इसका परिभाषा आज तक बड़े बड़े विज्ञानियों ने नहीं दे पाया। कैसे कुछ निर्जीव वस्तु से जीवन पनपा, ये भी एक रहस्य है। आमतौर पे हम लोग मान लेते हैं लाइफ यानी जिंदगी एनर्जी या ऊर्जाओं की एक रूप है, जैसे कि बिजली, प्रकाश और ऊष्मा। और हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जिंदा रहने के लिए हम लोगों को पोषण या न्यूट्रिशन चाहिए। एक इंसानी शरीर बनने के लिए चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो कि सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में रहता है। अब हम लोग जिसे रूह या आत्मा बोलते हैं, वो है जिंदगी का मूल आधार। और मैटर का और भी बहुत सारे फिजिकल स्टेट या रूप हो सकता है, जैसे कि प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, फार्मियोनिक कंडेंसेट, जिनके बारे में हम लोग उतना जानते ही नहीं हैं। अब हो सकता है मैटर का इन्हीं कोई रूप में दूसरा तरह का जीव भी बन सकता है और उनमें भी ऊर्जा समा सकता है। हो सकता है वही भूत हो, जब वो सब इंसानी आँखों की या ज्ञान इंद्रियों का दायरे में आ जाते हैं, हम लोग उसको भूत समझ बैठते हैं और डर जाते हैं। क्या पता इंसान को देख के भी वो लोग यही सोचते हैं जैसे हम लोग उनके बारे में सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ये ज़रूर बताइए, और अपना राय अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, नहीं तो समझ लीजिए।